बाइनेंस अपने लॉन्च पूल पे एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है आयोडेट। और अगर प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो नॉटकॉइन था, नॉटकॉइन ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और नॉटकॉइन की कम्युनिटी लगातार बढ़ती जा रही है। लॉन्च पूल पे आने के बाद, लॉन्च होने के बाद इस कॉइन ने लगातार हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है और जो डेटा है वो शानदार है। पिछले 7 दिनों का अगर हम डेटा देखते हैं, 7 डेज का जो डेटा है वो 80% का ये प्रॉफिट दिखा के गया है। मतलब ये जो टोकन था ये पूरी तरीके से वर्थ इट था, इसमें इन्वेस्ट करना, इसमें फार्मिंग करना, हर तरीके से आपका रिवॉर्ड अच्छा गया था। तो बाइनेंस का अब ये जो नया प्रोजेक्ट है इसमें भी आप अभी फ्री में अर्न कर सकते हो, फ्री में फार्मिंग कर सकते हो। प्लस यहाँ पे बाइनेंस ने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि आप ये जो अर्निंग है 3x इंक्रीज कर सकते हो। पहला तो ये लॉन्च पूल पे अवेलेबल है, दूसरा जो बाइनेंस अर्न है, सिंपल अर्न है, वहां पे भी आप इसका जो रिवॉर्ड है इंक्रीज कर सकते हो। पहला है जो बीएनबी है और एफडीयूएसडी है, वहां पे आप स्टेक करोगे, वहां पे स्टेक करने के बाद आप ये टोकन जो है रिवॉर्ड में आपको मिलता रहेगा। प्लस यहाँ पे अगर आप लॉक करते हो तो आपका जो रिवॉर्ड है वो ट्रिपल होगा। प्लस यहाँ पे अगर हम अर्न की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे अपने बीएनबी को लॉक करते हो तो यहाँ पे जो ये टोकन है आपको 3x ट्रिपल रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके समझ सकते हो कि लॉन्च पूल और अर्न दोनों पे अवेलेबल है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है, प्लस आप ज्यादा अर्न कर पाओगे इस टोकन को। लेकिन यहाँ पे बता दूं, इन्वेस्ट करने से पहले हम पहले प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे, क्योंकि जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट रहे हैं उन सभी ने हमें 10x 20x 50x का भी रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले ये जो आयोनेट है ना, इसका मैं रिव्यू करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये मार्केट में क्या नई चीज लेके आ रहा है, ताकि इसका यूज के समझ में आए। और अगर प्रोजेक्ट में यूनिक चीजें होंगी तो इसका मतलब इसको प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग ऑटोमेटिक इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, इसके जो फीचर्स हैं उसका यूज करेंगे, इसे टोकन की वैल्यू बढ़ी। तो कुल मिलाकर फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। पहले फेज में आप फ्री में अर्न कर पाओगे, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कैसे बाइनेंस पे आप स्टेक करने वाले हो, क्योंकि बाइनेंस लॉन्च पूल की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसमें मेथड सेम है, स्टेक करना, अर्न करना और टोकन यहाँ पे आप कमाना स्टार्ट कर देते हो फ्री में। लेकिन अभी हम इस प्रोजेक्ट का जानने वाले हैं ये प्रोजेक्ट है क्या। तो इसकी वेबसाइट हम खोलते हैं और यहाँ पे एक एक डिटेल में आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोजेक्ट मार्केट में नया क्या ला रही है, जिससे कि ऐसा हो जाए कि हाँ एक नया काम कर रही है। प्लस ये प्रोजेक्ट किस ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, क्योंकि ब्लॉकचेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इथेरियम की बात करते हैं, सोलाना की बात करते हैं, इन जो नेटवर्क पे जितने भी प्रोजेक्ट अभी आए हैं, अगर हम बीते कुछ महीनों की बात करते हैं, उन सभी ने हमें अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए पहले हम इस प्रोजेक्ट का रिव्यू कर लेते हैं। तो io.net क्या चीज है, तो सबसे पहले बता दूं जो io.net है ये दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो है डिसेंट्रलाइज्ड AI कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जो मशीन लर्निंग, जिसे हम ML नाम के जानते हैं और ML काफ़ी वायरल भी हो रहा है, तो इसे हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो ये मशीन लर्निंग का जुगाड़ करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर और आसानी से समझा दे रहा हूँ। AI और मशीन लर्निंग की वर्ल्ड में io.net एक डिसेंट्रलाइज्ड AI कंप्यूटिंग और क्लाउड प्लेटफॉर्म है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स ML मॉडल ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटिंग पावर एक्सेस करने का तरीका प्रोवाइड करता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड वे में करता है और ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की बात करते हैं, जो पुराने क्लाउड प्रोवाइडर्स तरह जो सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर्स की जगह ये io.net अलग अलग कंप्यूटर्स के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क यूज़ करता है। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क यूज़ करता है। ये कंप्यूटर अपने आप में बिना यूज हुए, या ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर्स अपने आप में बिना यूज हुए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की पावर नेटवर्क को देते हैं, जो GPU होता है उसको पावर नेटवर्क को देता है। यहाँ पे अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, जैसे उन्होंने मेंशन किया, जो ट्रेडिशनल क्लाउड सर्विस में ये बहुत कम दाम में, बहुत कम फीस में यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाता है। अब मशीन लर्निंग पर फोकस करते हैं। देखिए, मशीन लर्निंग की बात हुई थी, ये प्लेटफॉर्म स्पेशली जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और स्टार्टअप की जरूरत को पूरा करता है। ये लोग नेटवर्क पर बड़े ML जो वर्कलोड्स हैं डिप्लॉय कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर का फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो जाना io.net के बारे में जाना, अब इनका एक नेटिव टोकन है io टोकन, जो कि बाइनेंस पे अभी यहाँ पे लिस्ट होने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ एक चीज़ है जो io टोकन के नाम से जाना जाता है, जो io.net इकोसिस्टम में नेटिव यूटिलिटी जो टोकन है, जो हर प्लेटफॉर्म का कोई ना कोई एक नेटिव टोकन होता है, इसका ये है। तो इसके नेटिव यूटिलिटी टोकन की तरह काम करता है। इसके लिए काम क्या है, पेमेंट करेंसी जो है नेटवर्क के अंदर पेमेंट्स और ट्रांजेक्शन की फीस के लिए io यूज होता है।
इसमें बिना यूज हुए जीपीयू पावर खरीदना या टास्क के लिए जीपीयू क्लस्टर डिप्लॉय करना शामिल है। अगर गवर्नेंस की बात करते हैं, आईओ टोकन होल्डर्स को प्लेटफॉर्म के फ्यूचर डिप्लॉयमेंट पर कुछ वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं, और इस बारे में जो ज़्यादा डिटेल्स जानकारी जो नॉलेज है वो आईओ डॉट नेट पर आपको मिल जाएगा, वेबसाइट के डॉक्यूमेंट में मिलेगी। यहाँ पे जो वेबसाइट की डॉक्यूमेंट दिख रही है ना, यहाँ पे आपको सारी नॉलेज आपको मिलेगी। तो इन शॉर्ट ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा समरी शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि जो लोग ऊपर ऊपर से इनके निकल रहा है थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ, AI और ML टास्क के लिए बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटिंग पावर एक्सेस करने का डिसेंट्रलाइज और कम खर्चे वाला तरीका आईओ डॉट नेट प्रोवाइड करता है। कम खर्चा वाला तरीका मतलब लो फीस की बात कर रहा हूँ, लो फीस प्रोवाइड करता है और आईओ टोकन इकोसिस्टम के ऑपरेशन को चलाता है और शायद गवर्नेंस राइट को भी देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया है इस वेबसाइट के बारे में, और मुझे लगता है कि आपको और भी जो डिटेल चाहिए होगी इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं, इनके पार्टनर्स सोलाना है, एप्टॉस है, द रेंडर नेटवर्क है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके पार्टनर्स हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सोलाना इसका पार्टनर है तो ये क्वाइन लॉन्च होने के बाद हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। फिलहाल अभी लॉन्च नहीं है, अब चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली बाइनेंस पे आपको क्या करना है, आपको अपना ऐप ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे बाइनेंस लॉन्च पूल पे जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने स्टेक ऑलरेडी कर रहा है, आप भी सिंपल मैं फिर प्रीवियस कर दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करना है और स्टेक पे क्लिक कर देना है। FDUSD बाइनेंस दोनों पे है और यहाँ पे जो बाइनेंस अर्न है वहाँ पे भी है, अगर आप यहाँ पे लॉक करते हैं तो वहाँ पे ये टोकन आप अर्न कर पाएंगे। तो सिंपल आपको करना हो क्या होगा, वही आपको करना होगा, यहाँ पे आपको Web3 वॉलेट पे जाना होगा और जो मेगा ड्रॉप है वहाँ पे लॉक करने पे आपको ट्रिपल रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाला है, लॉन्च पूल पे भी है और इस पे भी है। अब यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताता हूँ, दूसरा और डिटेल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो टोकन है इसके डिटेल में, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इसकी लिस्टिंग कब है। तो लिस्टिंग की बात करते हैं तो 11 जून को ये लिस्टिंग होने वाली है, 12 UTC का मतलब जो इंडियन टाइम है शाम को 5:30 बजे ये बाइनेंस पे मिल जाएगा आपको, और इसकी ट्रेडिंग बिटकॉइन USDT BNB हर किसी में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे लॉन्चफुल डिटेल की बात करते हैं, जो टोटल टोकन सप्लाई एट जेनेसिस की बात करते हैं 500 मिलियन है और जो मैक्स टोकन सप्लाई है वो 800 मिलियन है। लॉन्चफुल टोकन रिवॉर्ड की बात करते हैं तो 4% ऑफ टोटल सप्लाई की है। तो यहाँ पे अगर लॉन्चफुल रिवॉर्ड की बात करते हैं 20 मिलियन होने वाला है, इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई 95 मिलियन होने वाला है, 19% टोकन सप्लाई जो जेनेसिस वाला है, और यहाँ पे KYC आपको करना होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सोलाना है, सोलाना पे लॉन्च हो रहा है, इसके बाद सोलाना के प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे रहे हैं। और अर्ली अगर हार्ड कैप यूजर की बात करते हैं, BNB का ज़्यादा है और FDUSD का कम है, और आई थिंक BNB सब ज़्यादा यहाँ पे स्टेक करते हैं और BNB के थ्रू ज़्यादा यहाँ पे होती है, क्योंकि अगर हम टोटल स्टेक की बात करते हैं तो 85% यहाँ पे BNB वालों को रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप चाहें तो दोनों के थ्रू यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं और यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो ठीक है, ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो था बाइनेंस के लॉन्च व्हील पे, एक न्यू जो प्रोजेक्ट आ रहा है IO.NET। आई थिंक नॉट क्वाइन की हाइप के बाद इसकी भी काफ़ी हाइप होने वाली है, क्योंकि नॉट क्वाइन ने जिस तरीके का रिटर्न दिया है आई थिंक इस प्रोजेक्ट का भी अच्छा हाइप होगा। 7 डेज का डेटा शानदार रहा है नॉट क्वाइन का, और अभी आप इस टोकन को फ्री में अर्न कर सकते हो, तो ये मौका मत जाने दो। आप क्या कर सकते हो, मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू अगर ज्वाइन करते हो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो उस पर क्लिक करो, बाइनेंस को ज्वाइन करो और यहाँ पे फ्री में अर्निंग स्टार्ट कर दो।